हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी पे। मैं पुनः आपके लिए लाभ हानि, जो कि आपका दो लेक्चर ले चुके हैं लाभ हानि का, तो इस लेक्चर में आपको अगला जो कि कुछ टाइप का क्वेश्चन बच गया है, तो इस लेक्चर में आपको अगला टाइप पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। चलिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से रीड कीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एक बार समझ में आ जाएगा फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए 524 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, इसका बेसिक तरीका आपको बताएंगे, बेसिक तरीका बताएंगे और एक जल्दी कम समय में अटेम्प्ट करने के लिए भी तरीका बताएंगे, जो कि वही जो बेसिक बताएंगे वही से निकलता है होगी, ठीक है। चलिए, तो 524 रुपए में बेचने से, तो मान लीजिए बताना क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको बताना है, क्रय मूल्य क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी। मान लीजिए सीपी आपका कितना है, एक्स रुपए, सीपी आपका एक्स रुपए है, तो 524 रुपए में सीपी बराबर एक्स और एसपी बराबर 524 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, एक एसपी वन है एक एसपी, फिर दो एसपी दिया है ना, एक एसपी टू है, उतना ही आपका हान होता है, उतना ही रुपए का, कब, जब 452 रुपए में उसको क्या होता है, बेचा जाता है। तो दो सीपी है, दो एसपी है ना, आपका विक्रय मूल्य कितना है, दो है, तो जितना रुपए में बेचा, 524 रुपए में बेचने से जितना रुपए का लाभ हुआ, जैसे मान लिया जाए 524 रुपए में 24 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक, तो फिर उतना ही रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 रुपए क्या हो रहा है, हान हो रही है। तो बेसिक तरीका आपका यही है, तो कैसे लगाएंगे, लाभ बराबर एसपी माइनस 524 माइनस एक्स सीपी अपॉन सीपी, होता है कि नहीं। लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस उसमें से माइनस किया जाए कम हो, तो आपका क्या होगा, लाभ होगा, अगुणे 100। हान कब होता है, जब सेलिंग प्राइस आपका सीपी ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, सॉरी हाँ, क्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, 452 रुपए दिया है ना, सेलिंग प्राइस कितना है, 452 अपान हमेशा सीपी का होता है नीचे, हमेशा सीपी क्रय मूल्य को नीचे रखा जाता है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स है एक्स कैंसिल आउट करेंगे, तो यहां से क्या बनेगा, 524 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 452। अब एक्स को, जब एक्स को उस साइड किया जाएगा और 452 को इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 524 प्लस 452, तो x बराबर आपका हो जाएगा 524 प्लस 452 बटे 2, इसको ऐड करके क्या करेंगे, 4 2 6 5 2 7 और 5 4 9, 976 में 2 से डिवाइड करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 488 रुपए आपका क्या निकला, x का मान आपका कितना आ गया, 488 रुपए। देखिए, तो आपका क्रय मूल्य क्या पूछा गया, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 488। ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, देखिए आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपका कोई ऑप्शन मैच किया, 488 कौन सा ऑप्शन, सी थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अब इतना लगाने की आपको जरूरत नहीं है, जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब ऐसा क्वेश्चन आए और दोनों, दो सी एस पी आपको दिया हो, दो सेलिंग प्राइस दिया हो, तो क्या करना, इसका फॉर्मूला याद रखना, सीपी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एसपी वन एसपी टू अपॉन टू, आप इस फॉर्मूले में उसको सेट करेंगे, आपका वहां से क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना दिया था, 524 प्लस 400
बावन, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, पहला एसपी कितना 524, दूसरा 452, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 976 बटे 2, कैंसिल आउट होगा 2 से कितना 488। देखिए सेम है कि नहीं, सेम तरीका वही है, समय क्या लगा कम लगा, हमेशा आपका ये गलत कभी हो ही नहीं सकता। अब क्या करना, उतना लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा क्या करना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, समझ में आ गया होगा, क्लियर आप करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको लगा दिया जाए तो पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य तो वैसे लगाया जाएगा। सीपी बताना है, सीपी बराबर एसपी मान कितना है 425 प्लस 355, अपान कितना 2। अब दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना 5 5 10, 5 2 7 1 8 और 4 3 7, 780 बटे 2 कितना हो जाएगा, 3 2 6 9 2 18 0, 390 रुपए, कितना होगा 390 रुपए। आपका सीपी निकल गया डायरेक्ट, उतना निकालने की जरूरत है नहीं है ना, चलिए समझ में आ गया होगा। अब टाइप चेंज किया जाए, ठीक, चलिए इसको रफ करें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन दिखेगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से। एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है, ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का क्या होता, लाभ हो जाता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को, देखिए लाभ जब होता है हमेशा सीपी जो होता है, सीपी आपका हमेशा क्या होता है 100%, सीपी आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है, आप चाहे कोई वस्तु को 500 रुपए में खरीद के लाइए या 400 रुपए में खरीद के लाइए या 200 रुपए में, कोई भी किसी भी रेट में आप खरीद के जब उसको लाएंगे, जो आपका सीपी होगा वो आपके लिए क्या है 100% है, तो सीपी आपका हमेशा कितना होगा 100% होगा। अब क्या बोला गया है कि एक एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो 100 में क्या करेंगे 15% लाभ कब होगा, जब 15 उसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो मान लिया जाए कि जब 15% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु को बेचा होगा कितने में 100 रुपए में, ठीक। अगर उसने 18 रुपया अधिक में बेचा होता, अगर उसे 18 रुपया अधिक में बेचा होता, कितने में बेचा होता 118 रुपए में बेचा होता, तब उसको क्या कितना लाभ मिलता 18% लाभ मिलता। हमेशा ध्यान दीजिएगा 118 कहां से आया, 18% लाभ होता कब, जब 18 रुपये अधिक बेचता। अब हमेशा दोनों का डिफरेंस लेना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये समझाने के लिए आप यहाँ पे 100 या 1000 या 500 कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन हमेशा डिफरेंस होगा क्या, जो दिया रहेगा उसका डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना परसेंट का डिफरेंस है 3% का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 18 रुपए का, 3% बराबर 18 रुपए, तो आपका सीपी बताना है, क्या बताना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कितना हो जाएगा 100% बराबर 18 बटे 3 × 100, 3 × 6 = 18, 6 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आएगा 600 रुपए, कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया कितना 600 रुपए। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है ना, चलिए समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक दो और क्वेश्चन करा दिया जाए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो इसको रफ किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
मोहन ने अपनी घड़ी 10% थान पर बेची, मोहन ने अपनी घड़ी 10% थान पर बेची, यदि उसने उसी को 45 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिला होता, तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य, देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, बताना क्या है विक्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तब तो विक्रय मूल्य निकलेगा, तो जब क्रय मूल्य निकल जाएगा तो विक्रय मूल्य भी क्या होगा निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप रीड कर चुके होंगे, चलिए क्या बोला गया 10% थान पर घड़ी, तो जब घड़ी को 10% थान पर बेचेगा तो सीपी आपका हमेशा बोले है ना अभी 100% होगा, जब सीपी 100% होगा तो 10% तो जब हान पर बेचेगा तो 90% में बेचेगा कि नहीं, और मान लिया जाए वो बेचा कितने में 100 रुपए, हमेशा 100 रुपए लेके चलेंगे या 1000 लेंगे कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। अगर क्या बोला है 10% में बेचा, यदि उसने 45 में अधिक में बेचा होता, 145 रुपए में बेचा होता तब क्या होता, उस पर 5% का लाभ मिलता, किस पे, सीपी पे, हमेशा लाभ या हान किस पे मिलेगा, सीपी पे मिलेगा, कॉस्ट प्राइस पे मिलेगा। अब दोनों का अंतर आपका देखिए कितना है 15%, 15% बराबर कितने का 45 का, तो 100% आप यहां से निकाल लेंगे कितना होगा 45 × 15 × 100 = 300 रुपए आपका क्या हो जाएगा, 300 रुपए जो आपका निकला 100%, ये क्या है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस निकला। पूछा क्या है विक्रय मूल्य बताना है, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 300 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 10% अगर इसमें हान हो रहा है तो 90/100 बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, सॉरी 00 से 00 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 29 × 27 = 270 रुपए, 270 रुपए आपका क्या निकलेगा एसपी सेलिंग प्राइस आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है कितना होगा 270 रुपए। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन कोई मैच किया कि नहीं, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है सही है 270। ठीक है इसको रफ करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से थोड़ा इसको रीड करते रहिए, क्वेश्चन को देखते रहिए और हमेशा कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट लगे फिर उसको आप क्या करते पॉज करके उसको आप देख सकते हैं और नोट करते रहेंगे तो फिर आपके कॉपी में नोट रहेगा कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए, लागत मूल्य बताना है। देखिए 16% पे लाभ पर बेचा गया तो कितने बेचा गया हुआ 100 रुपए में, यदि उसे 200 रुपए अधिक पे मिलता कब, जब 200 रुपए इसमें क्या क्या 100 में ऐड करेंगे कब, जब उससे 20% का क्या होता लाभ होता, दोनों का डिफरेंस कितने का 4% का, यहाँ पे कितने का 200 का, दोनों का डिफरेंस, ये ना सोचिएगा कि ये 100 में से 300 कैसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं। चलिए 4% बराबर 200 रुपए, ये देखिए अभी बताया था ना, इसमें ये ना समझना है कि जो डिफरेंस हो रहा है ये 100 में से 300 कैसे माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों का डिफरेंस हमेशा 300 में 100 से माइनस कीजिए, इसमें से क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4% बराबर 200, तो आपका सीपी पूछा गया है कॉस्ट प्राइस पूछा गया है तो 200/4 × 100 बराबर कितना कॉस्ट प्राइस आपका क्या निकलेगा सीपी कितना निकला 5000 रुपए। देखिए ऑप्शन कोई मैच कर रहा है नहीं, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है सही है ना। चलिए रफ किया जाए, समझ में आ गया होगा, तो अब टाइप क्वेश्चन का टाइप चेंज किया जाए, अब ये जो टाइप आपको करा है दो टाइप करा चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो का आप क्या करना पीछे करके आप बैक करके आप तो देख सकते हैं, ठीक है आप बैक करके देख सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको रीड कीजिए अच्छा से,
एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची, एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची, यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदा होता और उसे 60 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, समझिएगा। तो उस साइकिल का लागत मूल्य क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमेशा देखिए सीपी जो होता है हमेशा क्या होता है, 100%। आपका सीपी जो होगा हमेशा 100% होगा कि नहीं? अब देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। अब इस सीपी को बेचा कितने में? 10% लाभ, मतलब 110% में। यह आपका क्या हुआ? सेलिंग प्राइस SP1। पहले इसको कितने में बेचा? 10% लाभ पे। तो CP1 आपका क्या हो गया? ये 100% आपका क्या है? CP है। SP1 सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस क्या है? आपको 10% लाभ पर बेचा, यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता, मतलब इसी में से 10% 100% सीपी में से अगर खरीदता उसको 10% कम पे, मतलब कितने पे? 90% पे। ये भी आपका क्या है? सीपी। तो दूसरा सीपी देखिए, अगर उसे 90% पे खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, ध्यान से देखिएगा, 10% कम कीमत पर खरीदा होता तो उसे 60 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 10% कम में खरीद कर और 60 रुपए अधिक में बेचता तो इससे क्या होगा? 25% का लाभ होता। जब बेचता तो इसी में से इसी को बेचता तो 90 × 125 / 100 क्या हो जाएगा? 25 × 100, 25 × 125, 4 से इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 4 × 8, 4 × 8 = 5, 5 × 25, 5 × 10, 5 / 22.5 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 5 × 25, 5 × 10 दोबारा, 5 × 10 11, 100। अब ये क्या है आपका? दूसरा सेलिंग प्राइस है। 25% लाभ होता है, बेचा जाता कब? जब 90 रुपए में खरीदता तो 25% ज्यादा बेचता तो 60 रुपए अधिक मिलता। तो SP1 और SP2, SP2 कितना? 112.5% का। इसी दोनों का अंतर आपका कितना है? 60 रुपए जो अधिक बोला गया है ना, यही अंतर है किसका? SP2 - SP1 दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितना? 60 रुपए का। तो 112.5 - 110 = कितना है? दोनों क्या है? परसेंटेज है 60 रुपए, 60 रुपए अधिक बोला गया ना, तो 60 रुपए आपका क्या है? दोनों का डिफरेंस है, समझिएगा। CP1 100% कॉस्ट प्राइस, बेचा 110% पे, हाँ फिर क्या होता? अगर 90 रुपए में खरीदता, 25% लाभ पर बेचता तो उससे 60 रुपए अधिक मिलता, तो कितने परसेंट में बेचता? 112.5% पर। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए 2.5% बराबर 60 रुपए, तो 100% क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? देखिए 60 / 2.5 × 100, 10 हटा के 0 ऊपर बढ़ा दिया जाए, 25 × 100, 6 × 24 = 2400। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, साइकिल का लागत मूल्य ऑप्शन मैच किया कि नहीं? ऑप्शन फर्स्ट 2400 रुपए, ये क्या है? सीपी। सीपी कौन सा है? ये कितना हो गया? 2400 रुपए लागत मूल्य क्या हो गया? सीपी बराबर कितना? 2400 रुपए। समझ में आ गया होगा, चलिए रफ करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा, अच्छे से रीड कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि कोई भी प्रैक्टिस सीट लगाइए तो इस टाइप का क्वेश्चन है, अपने आप से लगाने का कोशिश कीजिए। एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाने के बाद अपने आप से खुद लगाइए, सॉल्यूशन ना देखिए, क्योंकि एक दो बार फंसेगा, एक दो बार दिक्कत होगी, फिर उसके बाद जब एक बार दिमाग में जब सेट हो जाएगा, जब सही हो जाएगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन,
सेम क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हाट पर बेच दी, ठीक। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपए अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त हो जाता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, देखिए समझ में आ गया होगा। सीपी आपका पहला सीपी वन फर्स्ट सीपी आपका कितना है 100% है। अगर उसे वस्तु को क्या बोला गया 5% हान पर बेची होती, अगर उसे बेचा होता 5% हान बराबर मतलब क्या होता 95% पे, ये आपका सेलिंग प्राइस है, पहला सेलिंग प्राइस 95% पे अगर बेचा होता। फिर आगे क्या बोला गया हो, क्या बोला गया है, यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती 90 रुपए में मतलब 90% पे लिया होता, तब उसे क्या होता 33 रुपए अधिक कीमत पर बेचने पर उसे 30% लाभ होता। तो 130 90 × 130 बटे 100, ये भी आपका क्या है परसेंटेज निकला ना, 27 9 2 11 117%। ये क्या है सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस, पहला है आपका सेलिंग प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये आपका क्या हुआ 90 था, ये क्या था सीपी, दूसरा सीपी क्राइम मूल्य, ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब किससे है एसपी वन और एसपी टू, दोनों का डिफरेंस हमेशा 33 रुपए का दिया है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 117% बराबर 95% बराबर कितना 33, 117% माइनस 95% बराबर 33, तो डिफरेंस जब यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 17.5 22% बराबर 33। तो लागत मूल्य बताना है, सीपी बताना है, तो लागत मूल्य क्या होता है हमेशा 100%, तो 33/22 × 100 11 33 11 2 22 कितना हो जाएगा 50 × 100 5 3 15 150 रुपए। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना 150 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें सही, थर्ड ऑप्शन सही है आपका, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है ना 150 रुपए। चलिए तो समझ में आ गया होगा, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जितना क्वेश्चन अभी हम प्रॉफिट लॉस का कराए आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।